हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कोरोना और बाढ़ संकट से सरकार को निपटने में पूरी तरह से विफल बताया और कहा कि राज्य के 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और सरकार दिखावे के लिए 2 से 3 दिन वायुसेना का हेलीकॉप्टर उड़ाई और फिर शांत हो गई। उन्होंने कहा कि वायुसेना का हेलीकॉप्टर फोटो खिंचवाने के लिए बुलाया गया था, जनता की मदद के लिए नहीं। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री पर धोखे, विश्वासघात, 57 घोटाले और बालिका गृह कांड जैसे जो दाग लगे हैं वो छुपाने से नहीं छुपेंगे, जनता को इसका जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि सीएम तो हमारे सवालों का जवाब भी नहीं देते हैं। तेजस्वी यादव ने कोरोना के दौरान वापस आए मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने पर भी सवाल उठाया और कहा कि सरकार बताए कितने मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि कोरोना काल में क्या क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बताएं कि कोरोना काल में क्या किया, कितने मजदूरों को रोजगार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों और कोरोना पीड़ितों पर कितने पैसे खर्च किए इसका हिसाब दे। उनका कहना था कि सरकार ने बाढ़ और कोरोना के नाम पर लूट मचाया है, सरकार ने जो हजारों करोड़ खर्च किए वे कहां गए। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार बताए कि मुख्यमंत्री राहत कोष में कितने पैसे आए हैं। तेजस्वी ने कहा कि अगर सरकार ने मजदूरों को रोजगार दिया तो मजदूर वापस क्यों जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ उद्घाटन और शिलान्यास में जुटी है, क्या हजारों करोड़ का शिलान्यास ही विकास है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े झूठे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी ने उनके कई झूठ गिनाते हुए कहा कि सरकार बताए कि केंद्र सरकार से कितने पैसे मिले हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार के युवाओं को रोजगार चाहिए, आर्थिक न्याय चाहिए, तब बिहार का विकास होगा और आरजेडी की सरकार आएगी तो हम इन कामों को करेंगे और प्रमुखता से करेंगे। तेजस्वी ने बिहार की जनता से वादा किया और कहा कि मुख्यमंत्री जिस तरह लोगों को गुमराह करके एक बार फिर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि बिहार की जनता पूरी तरह से उनकी सच्चाई जान गई है, किस तरह से पल पल में वो बदल जाते हैं बिहार की जनता को अच्छी तरह से मालूम है। तो तेजस्वी ने एक के बाद एक कई तीर छोड़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर और उनके 15 साल के शासनकाल पर सवाल भी उठाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिनों बचे हैं और ऐसे में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं और हमलावर मूड में दिख रहे हैं। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। हम है रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात।